काबिलियत के बावजूद कबूलियत ना मिली। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दद अल्फ़सानी रहमतुल्लाह के ज़माने में दो भाई थे, एक का नाम था अबुल फजल और एक का नाम था फैजी। दोनों बहुत बड़े इल्म वाले थे। इन दोनों ने मिलकर एक कुरान मजीद की तफसीर लिखी। उस तफसीर का नाम है सवातिउल इल्हाम। वो तफसीर की शान क्या है उसकी कि अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक पूरी तफसीर में उन्होंने कोई ऐसा हरफ इस्तेमाल नहीं किया जिसमें नुक्ता हो, जैसे बा, ता, शीन, वाद, कौफ, फा, नुक्ते वाला कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अगर मुझे और आपको कह दिया जाए कि भाई एक पेपर ही पूरा लिख दो जिसमें नुक्ता ना हो और अपनी बात समझा भी दो और बात भी समझ में आए, तो मेरा ख्याल है महीनों में हम एक पेपर भी ना लिख सकें। और पूरे कुरान को लिख देना ये मामूली बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह के यहां कबूलियत नहीं मिली। और उनकी मेमोरी, याददाश्त, फोटोग्राफिक मेमोरी थी। अबुल फजल बड़ा था, उसके सामने अगर कोई चीज दो मरतबा पढ़ दी जाती तो उसे याद हो जाती। फैजी छोटा था, उसके सामने कोई एक मरतबा कोई चीज पढ़ देता वो उसको हमेशा के लिए याद हो जाती। नक्श कल हजर वाला मामला हो जाता था। होता क्या था कि शुआरा आते बादशाह की तारीफ में, मनकबत में कलाम कहते। अब ये महसूस कर लेते ना बादशाह को पसंद आ रहा है, जब वो बात पूरी कर लेता तो फैजी छोटा जो एक दफा से याद हो जाती थी जिसको खड़ा होता, कहते ना ये मेरा कलाम है, बादशाह कहता तेरा है तो सुना, वो सुना देता। अब अबुल फजल वो दो दफा से उसको बात याद हो जाती थी, तो एक दफा तो असल शायर ने सुनाया, एक दफा छोटे भाई ने सुनाया, दो हो गया, अब इसको भी याद हो गई। कहता मैं तस्दीक करता हूँ कि ये मेरे भाई का है। बादशाह कहता अच्छा भाई तुम भी सुनाओ, वो भी सुना देता। तो उन शायरों को कुछ ना मिलता शुआरा को, और ये इनाम वगैरह ले जाया करते थे। तो इतनी काबिलियत के बावजूद अल्लाह के यहां कबूलियत नहीं मिली। हुआ क्या, वक्त के मुजद्दिद के खिलाफ हो गए, वक्त के एक शेख के खिलाफ हो गए, और बादशाह को ताजीमी सजदा करने का फतवा दे दिया, रांदे दरगाह हो गए। तो भाई काबिलियत और चीज है, कबूलियत और चीज है। एक आम सी मिसाल से बात को समझ लें। एक औरत अच्छे खानदान की हो, अच्छी तालीम याफ्ता हो, शक्ल की खूबसूरत हो, समझदार हो, सलीकामंद हो, घर के काम काज को करना जानती हो, ये सारी चीजें क्या हैं बताएं? काबिलियत है। और कबूलियत क्या है कि अपने शोहर को पसंद आ जाए। तो काबिलियत मामला और है, कबूलियत का मामला और है। कितनी दफा आप लोगों ने देखा होगा, माशाल्लाह जहां दीदा लोग भी नजर आ रहे हैं, कि कितने दफा ऐसा देखा होगा कि काबिलियत के बावजूद, खूबसूरती के बावजूद शोहर को पसंद नहीं आई, तलाक लेके वापस आ गए। और कई मरतबा ऐसे भी देखा होगा कि काबिलियत भी नहीं होगी, तालीम भी नहीं होगी, लेकिन शोहर को पसंद आ गई और जिंदगी में अच्छी जिंदगी गुजार रही है, शोहर के दिलों पर राज कर रही है। तो ये चीजें हमें सोचने वाली हैं। तो ये तो काबिलियत के बावजूद कबूलियत नहीं मिली।